अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 और उसका न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें क्या देखेंगे, जरा देखिएगा। 2.1 न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें हम देखते हैं क्या चीज़ें हमें बताई गई हैं, डाटा क्या है हमारे पास और हमें मालूम क्या करना है। कहता है ए ट्रेन मूव्स, ट्रेन मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है बेटा? यूनिफॉर्म है। और वेलोसिटी क्या है बेटा? यूनिफॉर्म। और उसकी वैल्यू कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकंड्स। गाड़ी कितनी देर, ट्रेन कितनी देर, कितनी देर तक मूव करती रही है? 10 सेकंड्स के लिए मूव करती है विद दिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। आप डिस्टेंस मालूम करें, आप डिस्टेंस मालूम करें जो कि आप बॉडी ने क्या किया, ट्रेन ने ट्रेवल किया है 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड तक कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा? ठीक है, डिस्टेंस मालूम करना है आपने। तो बेटा जरा देखिएगा, हम इसका क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करते हुए हम इसे गिवन डाटा देखेंगे। कुछ पूछना है? वो उसका आंसर लिखा हुआ है, जो आंसर आएगा, समझ आ गई? तो वो आंसर लिखा हुआ है। अब जरा देखो गिवन डाटा, अब इसमें आपको वेलोसिटी बताई गई है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। हाँ जी, उसको वी का नाम देते। क्या नाम देते बेटा? वी का। और वो कितनी है बेटा? 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम इनिशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ना भी कहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही वेलोसिटी है और वो यूनिफॉर्म और चेंज नहीं है। जो इनिशियल होगी वही फाइनल होगी बेटा, पास में जो चेंज नहीं होगी तो वो इनिशियल और फाइनल आपस में क्या होंगे? सेम। अच्छा, अब हम इसको हम क्या कर लेंगे बेटा, कन्वर्ट करेंगे किसमें? मीटर पर सेकंड इसमें करेंगे बेटा। अब जरा देखो कैसे करेंगे, 36 वैसे का किलो की जगह क्या लिख देंगे? 1000। मीटर वैसे का नीचे और नीचे हो जाएगा, एक और में कितने मिनट होते हैं और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? बात समझ आ गई? तो बेटा ये क्या बन गया कि एक जीरो इस जीरो से कैंसिल, दूसरा जीरो इस जीरो से कैंसिल, 36 ये 36 से कैंसिल, 6 मल्टीप्लाई 6 36 होता है ना, ये सही आंसर कितना है? 10 मीटर और सेकंड ऊपर जाकर क्या बनेगा? पर सेकंड। ये वी आपके पास, किसी को ये बात समझ ना आए जरा पूछ लो, मुश्किल बात नहीं कर दी मैंने। अब देखो आप दूसरी चीज क्या बताई गई है, टाइम। क्या बताइए बेटा? टाइम। टाइम की वैल्यू बेटा 10 सेकंड्स। ठीक, आप करेंगे इसका टू फाइंड। आपका क्या है टू फाइंड मालूम करने के लिए? आप देखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एस आपने मालूम करना है। समझ आ गई? कोई बात मुश्किल? अब हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर, कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा बेटा, अब देखो हम यहाँ लिखते हैं बेटा, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरा बेटा डिस्टेंस, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड बेटा 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vx स्क्वायर। बेटा इसमें देखो वेलोसिटी एक ही बताई गई है, माइनस वेलोसिटी है ही नहीं, ये वाला केस खत्म और ये वाला केस भी खत्म। अब इसमें भी देखो, इसमें आपको एक्सेलरेशन बताया नहीं गया, एक्सेलरेशन यहाँ पे है, डिस्टेंस आपको नहीं पता, वो आपने मालूम कर रहे हैं, लेकिन उसने क्या कह दिया, डिस्टेंस बॉडी जो मूव करी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है? जीरो। जब ये एक्सेलरेशन यहां पुट करोगे तो पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा? जीरो। सर ये इक्वेशन 1/2 नहीं है? हां 1/2, 2 नीचे नहीं आ गया यार? सर वो आपने 20 स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओवर, ये दोनों बराबर होते हैं। पूछ लो एस इज इक्वल टू
S is equal to अब बाकी चीजें क्यों खत्म हो गई, क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन उसका कितना होगा, जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो मल्टीप्लाई का पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, ये बजे S is equal to VT, VIT. तो V, V की वैल्यू हमारे पास ये है, V है और ये T है बेटा. अब लेकिन बाय पुटिंग द वैल्यूज सर, I इधर है, हां हमने यहां पे आई लिखा है, यहां पे आई ने लिखा है, ठीक है. तो वेलोसिटी है बाय पुटिंग द वैल्यूज, तो बेटा क्या बने, S is equal to V की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड और सेकंड टाइम कितना बेटा 10 सेकंड्स, ये सेकंड इज पर सेकंड से कट गया, 10 10s आर 100 100 क्या बचिया मीटर, तो बॉडी इतना डिस्टेंस का होता है, कोई बात मुश्किल लगे जरा, कोई समझना मुश्किल है, बहुत ज्यादा आसान बेटा. हम देखते हैं कि दूसरा न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2 का 2.2 इसमें क्या कहता है, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ट्रेन जो है वो रेस्ट से मूव करना शुरू करती है, रेस्ट से मूव करना शुरू करने का मतलब है रेस्ट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो. बात समझ आ गई, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर, वो कितना डिस्टेंस कवर करती है बेटा, 1 किलोमीटर, जैसे उसे मूव करना शुरू किया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया बाद में, 1 किलोमीटर का, एम है कितने टाइम में बेटा, 100 सेकंड बेटा. बात समझ आ गई, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब क्योंकि उसकी वेलोसिटी पहले जीरो थी, फिर वो मूव करना शुरू हो गई, यानी कि उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ, इंक्रीमेंट आया, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, और वो एक्सेलरेशन क्या है बेटा, यूनिफॉर्म है, क्या है बेटा, यूनिफॉर्म है, ठीक है. अब उसने वैल्यू नहीं बताई एक्सेलरेशन की आपको, उसने सिर्फ ये बताया कि एक्सेलरेशन क्या है बेटा, यूनिफॉर्म. What will be its speed? उसकी speed क्या होगी? At the end of 100 seconds. पहले speed क्या थी? Initial speed. अब क्या होगी बेटा? Final. जो कि आपने मान. जी. बात समझ आ गई? जी. कोई बात मुश्किल लगी हो पूछ लो. अब हम देखते हैं बेटा solution. Solution की बात देखेंगे. Given data क्या है हमारे पास? Given data. अच्छा जी देखो बेटा. कि उसकी पहले पता चल गया हमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है या इनिशियल स्पीड जीरो, स्पीड वी आई व्हिच इज इक्वल टू जीरो, समझ आ गई, और बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड 1 किलोमीटर, एस की वैल्यू मालूम करने वो 1 किलोमीटर व्हिच इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, समझ आ गई. उसके बाद बेटा उस बॉडी ने कितना टाइम में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 100 सेकंड, टाइम इज इक्वल टू टी व्हिच इज इक्वल टू 100 सेकंड्स, और बेटा आपने मालूम क्या करना है, आप फाइंड द वेलोसिटी, टू फाइंड है आपके पास बेटा फाइनल वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी, बस मार, समझ आ गई. अब हम करेंगे कैलकुलेशन, क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेशन बोलेंगे नहीं. अब हम दोबारा से इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे बेटा, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, vf इज इक्वल टू vi प्लस at, s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर. अब हमने मालूम क्या करना है बेटा, vf पहले तो ये चेक करेंगे सब, ये तो लाजमी मौजूद होना चाहिए, vf इक्वेशन में जिस इक्वेशन में मौजूद नहीं वो तो इक्वेशन हम लगा ही नहीं सकते, समझ आ गई. तो सेकंड इक्वेशन में vf मौजूद नहीं है, ये नहीं लगाएंगे, समझ आ गई. vf मालूम करने के लिए इक्वेशन नहीं लगा सकते, लेकिन किसी और कोई और चीज मालूम करनी पड़ जाए हमें तब हम यूज कर सकते हैं बेटा, ठीक है. अच्छा इधर देखो कि vf इधर मौजूद है और इधर भी मौजूद है, ठीक है. अब देखो vf मौजूद है, vi हमें पता है, p हमें पता है, लेकिन बेटा एक्सेलरेशन तो फिर यहाँ पे भी नहीं पता, समझ आ गई. अब कोई और चलते, कोई और रास्ता ढूंढते हैं. इधर देखो vf इधर भी मौजूद है, तो डिस्टेंस हमें पता है, vi पता है, vf मालूम करना, एक्सेलरेशन फिर नहीं पता, तो ये भी नहीं लगा सकते. तो फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि vf मालूम करने के लिए वी नो दैट
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लिखें, मोशन वो क्या है बेटा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर वन, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें अभी नहीं पता। किसी तरीके से हम एक्सेलरेशन मालूम करेंगे, क्या करेंगे बेटा, वो एक्सेलरेशन कहां से मालूम करेंगे जरा देखिएगा। अब इधर से एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं हम, लेकिन इधर वी एफ हमें पहले से नहीं पता, तो फिर हम ये इक्वेशन इधर एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। बात समझ आ गई? हम देखो बेटा ए वाला चेक करते हैं, इधर एक्सेलरेशन मौजूद है तो ये इक्वेशन लगाएंगे। इधर कोई वो कोई ऐसी चीज जो आपको पता ना हो, डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस का पता है सबको, एक्सेलरेशन इनिशियल स्पीड का पता है, टाइम का पता है, एक्सेलरेशन आपने मालूम करना है और टी फिर आपको पता है बेटा। बात समझ आ रही है? अब इस फार्मूले के जरिए हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करेंगे, वो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करके वी एफ की वैल्यू मालूम करेंगे। समझ आ गई बेटा? तो हम देखेंगे ना हो क्या बेटा, नाउ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भाई, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन बाय टू ए टी स्क्वायर। समझ आ गई? बाय पुटिंग द वैल्यूज, इसमें वैल्यूज पुट कर दें अगर हम, तो फिर क्या बन जाएगी बेटा इक्वेशन, ये बन जाएगी कि भाई एस कितना है हमारे पास 1000 मीटर इज इक्वल टू वी आई कितनी है बेटा 0 मल्टीप्लाई टाइम कितना है भाई 100 सेकेंड्स प्लस 1 बाय 2 इनटू ए, वैसे का वैसे भी आपने मालूम करना है टी स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर। बात समझ आ गई? अब ये जीरो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो, ये खत्म हो गया। अब बच गया 1000 इज इक्वल टू ए इन 100 का स्क्वायर लो तो 10000 डिवाइड बाय 2, ये 2 2 2 1 2 2 5000 10000। बात समझ आ गई? ये बन गया क्या 1000 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 5000। ठीक है, आपने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, इस 5000 को जाकर क्या कर दोगे, डिवाइड कर देंगे, ए इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 5000। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.2। क्या आंसर आएगा बेटा 0.2, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है तो उसका यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या आ गया एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन आपको पता चल गया। अब देखो इसमें कोई चीज ऐसी है इक्वेशन में जो आपको पता ना हो, वी एफ को अपने मालूम करना है, वी आई की पता वैल्यू आपको पता है, एक्सेलरेशन अभी आपने मालूम कर लिया, टाइम आपको पता है बेटा। समझ आ गई? अभी तमाम वैल्यूज किस इक्वेशन में पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू बेटा पुट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी ये वाली, वी एफ वैसे का वैसे वी आई की वैल्यू कितनी बेटा 0 क्रेस्ट पे है। दूसरा बेटा प्लस ए की वैल्यू अभी हमने मालूम की है 0.2 × 100, टाइम की वैल्यू कितनी बेटा 100 सेकंड्स। तो ये खत्म, इसको जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 20, 100 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 20, क्योंकि स्पीड है तो उसका यूनिट क्या बनेगा मीटर पर सेकंड। बेटा बात समझ आ गई? ये हमने क्या कर लिया, सारी न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया।